मड़ंगा थाना के मिल्की टोला के पास बैंक रॉबरी के कई बड़े कांडों के मुख्य वांटेड अपराधी कुख्यात राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल उर्फ पंकज शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजा सहनी को गिरफ्तार करने पहुंची मड़ंगा और नवगछिया के पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग की भी सूचना है। हालांकि सदर SDPO सुरेंद्र कुमार सरोज ने फायरिंग की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भागने के दौरान बैंक रॉबरी के कुख्यात बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी राजा साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान उठापटक में जहां राजा साहनी गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं दो पुलिस कर्मियों को भी चोटें लगी हैं। अभी राजा साहनी की गिरफ्तारी हुई है, आज कैसे हुई और क्या हुआ इसमें? राजा साहनी, अभी हम लोग कन्फ्यूजन है, इसका नाम पंकज शर्मा ही बतला रहा है, लेकिन ये बैंक डकैती के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे। ये इनके द्वारा कई बैंक में डकैती भी की गई है। उसी क्रम में आज मड़ंगा थाना अध्यक्ष और नोगसिया की भी टीम आई हुई थी। बताया जाता है कि अररिया में 70 लाख के बैंक रॉबरी, नवगछिया में बैंक रॉबरी में 40 लाख, पटना बेगूसराय समेत कई जगहों पर उन्होंने बड़े बैंक रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया था। यह गिरफ्तारी पूर्णिया और नौगछिया पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। खुलासा के लिए पूर्णिया से जयप्रकाश मिश्र की यह रिपोर्ट।